जय हिंद दोस्तों, आज 24 जून सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सीएसडी, ओआरओपी, ईसीएचएस और प्रीमेचर के मुद्दे पर। राज्यपाल से पूर्व सैनिकों ने मीटिंग की है, इस पर बड़ी अपडेट है। और ईसीएचएस के बदले 3 नए नियम, लाभार्थियों को जानना होगा जरूरी। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के सिपाही की पेंशन 22,450 1/1/2019 से, इस पर बड़ी अपडेट है। जून महीने की पेंशन स्लिप हुई जारी, कैसे करेंगे डाउनलोड, इस पर बड़ी अपडेट है। और 8वें वेतन आयोग की फाइल वित्त मंत्री के पास पहुंची है, बजट में गठन हो सकता है, इस पर बड़ी अपडेट है। पूर्व सैनिक की के साथ बड़ी घटना हुई है, लूटपाट और पिटाई का मामला सामने आया है और पूर्व सैनिक सुपरवाइजर की भर्ती निकली हुई है, इस पर बड़ी अपडेट है। तो सबसे पहले हम पहली खबर पर बात करते हैं और अच्छी खबर है, राज्यपाल ने से मीटिंग की है पूर्व सैनिकों ने। ये मीटिंग हुई है उत्तराखंड में और बता दें सीएसडी समान एमएसपी, समान मिलिट्री सर्विस पे वन रैंक वन पेंशन में प्रीमेचर को लाभ सहित कई मुद्दों पर बात हुई है। और ये 23 जून को मीटिंग हुई है, बता दें हल्द्वानी राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने रविवार को सर्किट हाउस काठ गोदाम में पूर्व सैनिक के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं व चुनौतियों के संबंध में चर्चा की है। बैठक के दौरान राज्यपाल ने कहा है कि प्रत्येक पूर्व सैनिक और उनके परिवार की समस्या का समाधान करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक की विभिन्न समस्याओं जो भी उनको तुरंत निस्तारण किया जाएगा। उत्तराखंड में जो पूर्व सैनिक हैं उन्होंने कहा है कि सीएसडी से लेकर एमएसपी, वन रैंक वन पेंशन में प्रीमेचर को लाभ ना देना, ये ऐसे कई मुद्दे हैं जिसमें कि जवानों को नुकसान हुआ है, जैसे कि वन रैंक वन पेंशन में प्रीमेचर को ओआरओपी का लाभ ना देना, 60% जेसीओ जवानों को बाहर कर देना, यानी कि अगर प्रीमेचर आउट कर दोगे तो लगभग 50 से 60% जेसीओ ओआर बाहर हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर मैक्सिमम प्रीमेचर ओआर और जेसीओ ही जाते हैं, तो इसलिए प्रीमेचर को भी लाभ देना चाहिए वन रैंक वन पेंशन का। अब बात कर लेते हैं, दूसरी बड़ी अपडेट है, गवर्नमेंट मेड बिग अनाउंसमेंट फॉर ईसीएचएस मेंबर्स। जो भी ईसीएचएस मेंबर्स हैं, ईसीएचएस कार्ड होल्डर हैं, ईसीएचएस के लाभार्थी हैं, उनके लिए बड़ी अपडेट है। 3 नए बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले तो बदलाव जो किया गया है वो मेडिसिन लेने को लेकर है, क्योंकि कई बार ऐसे देखा जा रहा था कि एक्स सर्विसमैन ईसीएचएस जो है वो मेडिसिन लेने में पॉलीक्लिनिक कभी बंद थी या उनको मेडिसिन नहीं मिल पा रही थी या उनकी एज ज्यादा है उसके बाद उनको मेडिसिन नहीं मिल पा रही है, तो आफ्टर इमरजेंसी और रेफरल के बाद आप मेडिसिन कैसे कलेक्ट करेंगे। इसमें कहा प्राइवेट हॉस्पिटल होलीडे में आप दिखा सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पर, और मेडिसिन फॉर दैट हिमसेल्फ, अपने द्वारा मेडिसिन भी ली जा सकती है अगर आपको किसी पॉलीक्लिनिक बंद मिल रहा है तो होलीडे के टाइम पर। इसमें यह भी कहा गया है होलीडे और मेडिसिन शॉप आर क्लोज, अगर मेडिसिन शॉप क्लोज है तो मैक्सिमम ऑफ 3 डेज, 3 दिन की आप मेडिसिन एडवांस में ले सकते हैं, तो ये भी इसमें दिया है। इन केस ऑफ डिले इन रिमोट एरिया, अगर दूर के एरिया में ऑथराइज केमिस्ट एएलसी नहीं आपको प्रोवाइड है, 48 से 72 घंटे का वो कह रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा, तो आप मार्केट से भी मेडिसिन खरीद सकते हैं। लॉन्ग टर्म मेडिसिन, अगर लंबा इलाज चल रहा है तो आप लॉन्ग टर्म मेडिसिन के लिए अपने ईसीएचएस से मेडिसिन एडवांस में लेके रख सकते हैं, क्योंकि लंबा अगर इलाज चल रहा है तो इसके लिए ये नियम बनाए गए हैं। तो 3 नियम जो बनाए गए हैं ये मेडिसिन से संबंधित हैं। अब बात कर लेते हैं, एक बड़ी अपडेट है, आर्मी के हों, एयरफोर्स के हों या नेवी के हों, सिपाही, एयरमैन, सीमैन की पेंशन 22,450 रुपये होनी चाहिए। ये एक पीपीओ में दिखाता हूं, आप उससे जानेंगे। सिपाही जो कि 2020 में रिटायर हुए हैं, 31 मार्च 2020, 17 साल सर्विस करके, पे लेवल 5 की पेंशन इनको मिल रही है और पे मैट्रिक्स 39,200 रुपये फिक्स है, उस हिसाब से इनकी जो पेंशन बनी 22,425 रुपये बनी है, जो कि लगभग 2 से 3% सिपाही की पेंशन होगी 22,425, बाकी की पेंशन 22,000 से ही कम होगी। ये अब रिकॉर्ड जो सिखलाई रिकॉर्ड है, जैक
जैकनिफ रिकॉर्ड है, कई रिकॉर्ड ऐसे हैं जो डोगरा रिकॉर्ड है, जो 22,425 जिनकी पेंशन बनती है सिपाहियों की। ऐसे ही एक पेंशनर्स हैं जो सिग्नल रिकॉर्ड के हैं, जिनकी पेंशन सिपाही में 2022 में रिटायर हुए हैं और 17 साल सर्विस की है। इनकी पेंशन आपको मैं बता दूं पे लेवल 4 की मिल रही है और 36,400 बेसिक पे मैट्रिक्स फिक्स हुआ है, जो कि काफ़ी कम है। इसमें संशोधन हो सकता है, क्योंकि अगर इनको MSEP भी ना मिला हो तब भी इनकी पेंशन जो है 21,138 आई है, जो कि काफ़ी कम है, लगभग 21,700 के आसपास बननी चाहिए। तो सिपाहियों की जो पेंशन है ये काफ़ी इसमें करेक्शन हो सकता है। आप अपने रिकॉर्ड में जरूर लेटर लिखें और CP ग्राम के थ्रू जरूर कंप्लेन कर दें, जिससे कि आपका ये समाधान हो सके। इसके लिए अपने साथ के किसी का PPO भी चाहिए, अगर आपकी पेंशन कम आ रही है तो। अब बात कर लेते हैं, एक बड़ी अपडेट और आ गई है, पेंशन स्लिप जून की जारी हो चुकी है और स्पर्श में आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं जून 2024 की पेंशन स्लिप आ चुकी है। और इसको डाउनलोड करने के लिए स्पर्श की वेबसाइट में लॉगिन करके अपने डॉक्यूमेंट सेक्शन में आके इसके बाद आप इधर पेंशन स्लिप में क्लिक करके जून की पेंशन स्लिप आप देख सकते हैं डाउनलोड हो गई है। इसको डाउनलोड करके करने के लिए इधर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें जून की जो पेंशन है वो 28 जून को आएगी, ये स्पर्श ने पहले ही मैसेज इंटीमेशन मैसेज दे दिया था। बात कर लेते हैं एक और बड़ी अपडेट से, बजट में 8th पे कमीशन के गठन का अनाउंस हो सकता है, क्योंकि 9 मांगे जो सरकारी जो स्टाफ साइड की तरफ से 9 मांगे रखी गई थी, उसमें 8वें वेतन आयोग के गठन के बारे में भी कहा गया था और वित्त मंत्री से मीटिंग भी हुई थी 21 जून 2024 को, जिसमें महासचिव शिव गोपाल मिश्र ने स्टाफ साइड के हैं, जो फेडरेशन के रेलवे कर्मचारी फेडरेशन के शिव गोपाल महासचिव हैं, उन्होंने 21 जून को मीटिंग भी की थी, जिसमें कई पेंशनर्स का कहना है कि बजट में घोषणा हो सकती है 8वें वेतन आयोग के गठन की। 58% लोगों का मानना है कि घोषणा हो सकती है और नहीं होगी 26% लोगों को मानना है, कुछ कह नहीं सकते 17% लोगों का मानना है कि कुछ कह नहीं सकते कि बजट में घोषणा होगी कि नहीं होगी। बात कर लेते हैं, एक बड़ी अपडेट आई है, पूर्व सैनिक की पत्नी व साली को पीटा, गहने लूटे, रंगदारी भी मांगी, ये घटना है लखनऊ की। बता दें PGI क्षेत्र में पूर्व सैनिक की पत्नी साली की पिटाई कर गहने और रुपए लूट कर रंगदारी का मामला सामने आया है। घटना को लेकर पूर्व सैनिक की पत्नी ने कार वॉशिंग सेंटर के संचालक और उसके सहयोगी पर PGI थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इंस्पेक्टर ब्रिजेश चंद तिवारी के मुताबिक क्षेत्र 12 सेक्टर 12 के निवासी सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी विनोद कुमार की पत्नी रीता देवी ने प्रार्थना पत्र दिया है। उन्होंने कहा कि वो और उनकी बहन कमांड अस्पताल में जा रही थी, तभी बीच में वो जो वॉशिंग सेंटर का संचालक है वो मिला और उसने गाली गलौज की, मार पिटाई की, इसके बाद 60,000 रुपये और चेन खींच ली। इसके बाद ये रिपोर्ट दर्ज कराई है, आरोपी अभी भी पकड़ा नहीं गया है। बात कर लेते हैं जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए सुनहरा अवसर है। गुजरात महाराष्ट्र में पूर्व सैनिकों के लिए सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर की सेफ वन एग्जेम्पलरी करेक्टर की 50 साल एज वाले भूतपूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी है। 31,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। इसमें बता दें 250 एक्स सर्विसमैन की टोटल वैकेंसी है। इसमें आवास मुफ्त, यूनिफॉर्म, जूता, रेनकोट आदि मुफ्त मिलेगा, बैरक की सुविधा दी जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर ये है, जो भी बात करना चाहें फोन कर सकते हैं। तो ये मौका है महाराष्ट्र गुजरात के लोगों के लिए। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें। थैंक यू, जय हिंद।